ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है अट्ठाईस 464। रिकॉर्ड चला है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बच्चों ने गीत सुना, गीत में किसको याद फरमाते हैं? हे प्रभु नैनहीन को राह दिखाओ। कहेंगे प्रभु को फरमाते हैं। प्रभु किसको कहा जाता है? प्रामाणा प्रकष्ट रूपेण भूमाने जन्म लेना, जो साधारण रूप से जन्म नहीं लेता है। साधारण बच्चे जैसे संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रकष्ट रूप से प्रत्यक्ष होता है। वो प्रभु क्या कहते हैं? हे प्रभु कहने वाले कहते हैं, हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते ही रहते हैं। देवताओं के दर पर जाते, दर दरवाजे को कहा जाता है। गुरुओं के दर पर जाते हैं, जो जो कदम बढ़ाते हैं भक्ति मार्ग में, ठोकरें ही ठोकरें खाते रहते हैं। पग माना पांव पड़ते पड़ते, दर दर अर्थात गुरुओं के दर पर व मंदिरों के दर पर, कहां कहां नदियों के दर पर धक्का खाते ही रहते हैं। मना नदियां भक्ति मार्ग में तो जड़ होती है और ज्ञान मार्ग में चैतन्य होती है। वो नदियां भी ठोकरें खिलाती हैं। धक्के खिलाती हैं। तो ठोकरें खाने वाले कहते हैं हम अंधे की औलाद अंधे हैं। शास्त्रों में कौन अंधा प्रसिद्ध है? धृतराष्ट्र, जिसने संपूर्ण राष्ट्र संपूर्ण देश को धर लिया, कब्जे में कर लिया। सारे देशवासियों को दबोच लिया। धृतराष्ट्र राजा था ना, किसका राजा था? कौरव और पांडवों दोनों पर राज्य करता था। तो भक्त लोग बोलते हैं जैसे धृतराष्ट्र को देखने में नहीं आता, भगवान भी देखने को नहीं आता। ऐसे अंधे की औलाद हम अंधे हैं, यथा राजा तथा प्रजा। देखो अपन को आप ही कहते हैं, आप ही आकर के कहते हैं हे प्रभु। अब हे प्रभु का अर्थ तो समझते ही नहीं। समझते हैं, हैं? नहीं समझते हैं तो भी कहते हैं हे प्रभु। अब तुमको तो बाप है, तो तुम ऐसे नहीं कहते हो हे प्रभु, क्या कहते हो? हैं? बाबा कहते हो, शिव बाबा कहते हो। तो प्रभु कह करके समझते नहीं है कि प्रभु क्या है। प्रभु संसार के सामने जन्म लेता है, माना बच्चा जैसे प्रत्यक्ष होता है संसार में, ऐसे साधारण रीति प्रत्यक्ष नहीं होता है, हैं? समझते नहीं है कि प्रभु क्या है। बस उस प्रभु को बहुत नाम दे दिए हैं, नाम किस आधार पर दिए जाते हैं? जो जो काम किए हैं उस आधार पर नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार है, नाम रूप से न्यारा है। अभी नाम रूप से न्यारी तो दुनिया में कोई वस्तु नहीं होती है। बाप आकर के समझाते हैं कि जो कुछ भी कहते हो वो कुछ भी समझते भी हो या एकदम पत्थर बुद्धि हो कि परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती। दुनिया में कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो तो बताओ जो नाम रूप से न्यारा हो। तो तुम कैसे कहते हो कि परमपिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है? अब पिता है तो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? पिता को बच्चे होते हैं, हैं? बच्चे नाम रूप से न्यारे होते हैं, हैं? अरे जैसा बाप होगा वैसे बच्चे भी होंगे, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया? तो बाप आकर के समझाते हैं कि इन कहने वालों की सूरत तो मनुष्य की है, इन लक्ष्मी नारायण की भी सूरत मनुष्य की है ना, परंतु लक्ष्मी नारायण की महिमा देखो कैसी है। अभी है लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं भक्ति मार्ग में आती हैं द्वापर से तो आप ही अपनी निंदा करते हैं। कहते हैं हम अंधे हैं, भगवान के लिए कहते हैं वे अंत है। तो गाया हुआ है बरोबर, एक है अंधे की औलाद अंधे और फिर दूसरे हैं बाप आकर जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलते हैं। तो अभी शूटिंग पीरियड में एक कौन है और दूसरे कौन है? अरे एक ऐसों का ग्रुप है जो अंधे की औलाद अंधे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। क्या? अरे अंधे लंगड़े की कहानी सुनी है, हैं? तो अंधे के जो साथी होंगे वो सारे अंधे ही होंगे और जो लंगड़े होंगे उनके साथी लंगड़े ही होंगे। पुरुषार्थ में दौड़ नहीं सकते, लेकिन अंधे हैं क्या? हैं? अंधे तो नहीं है, दिखाई तो सब देता है। बाप भी दिखाई देता है, हैं? बाप जो बोलते हैं वो भी कानों से सुनाई देता है। तो ये दूसरे हो गए, अंधे नहीं है, सोझरे तो हैं, जानते हैं कि बाप आकर जो रास्ता बताते हैं हम नंबरवार उस रास्ते पर चलते हैं। वो फिर सज्जे कहे जाते हैं, मन सोझ हरे में है। क्योंकि तुम बच्चों को अभी बाप की भी पहचान मिल गई है, जिसको वो लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। कौन लोग कहते हैं? हा? तुम नहीं कहते हो नाम रूप से न्यारा है, वो लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। कौन है? कौन? भक्ति मार्ग वाले भक्त लोग हैं। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही एक ग्रुप ऐसा है जो अंधे की औलाद अंधे हैं। कौन है उनका बाप? अंधा है। एक आदमी बोलो जोर से। अरे अच्छा, ब्रह्मा बाबा अंधा था, क्या प्रूफ है? हैं? हाँ, बाप की समझानी तो ले ली कि तुम कृष्ण हो, तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है कि तुम्हें सफेद पोष ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी जिससे ज्ञान लिया उस बाप को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? है? अरे न पहचानने का खास कारण क्या है? अरे खास कमी क्या रह गई जो नहीं पहचाना? आनंद में अंधा था, क्रोध आनंद में अंधा था, लोभ आनंद में अंधा था, मोह अंधकार में गिरा हुआ था, या और कुछ भी था? है देह अहंकार था। जिसने मुझे मेरे साक्षात्कारों का रास्ता बताया वो मेरा नौकर है। क्या मेरी दुकान में मैनेजर क्या होता है? मालिक का नौकर होता है। तो काहे में अंधा था? है देह अहंकार आ गया, देह अहंकार में अंधा था। अच्छा, उसका कोई प्रूफ है? है कि काम अंध में इतना अंधा नहीं था, क्रोध में अंधा नहीं था, लोभ में अंधा नहीं था, मोह में इतना अंधा नहीं था, देह अहंकार इतना था जो बाप को नहीं पहचाना। उसका कोई प्रूफ है? हैं? नहीं हैं? नहीं। कोई चित्र है? हैं? हैं? हनुमान का चित्र है। कौन सा चित्र? हनुमान का चित्र है। हनुमान का चित्र है, वो अंधा है। हाँ, जो रावण होता है ना, 10 सिरों वाला, वो 10 सिरों को कंट्रोल कौन करता है? उसके ऊपर कौन होता है? गधा होता है। तो जो गधा बुद्धि हो उसको क्या कहेंगे? हैं? गधे बुद्धि को क्या कहेंगे? गधा ही कहेंगे ना, अंधा ही कहेंगे ना। तो एक है अंधे की औलाद अंधे, ब्राह्मणों की दुनिया में ही है या बाहर की दुनिया में है? हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में ही है। और दूसरे हैं कि बाप आकर जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलते हैं। चलते हैं या नहीं? चुप, नंबरवार चलते हैं। तो वो फिर संजय हो जाते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को अभी बाप की भी पहचान मिल गई है। अभी माने कब? हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर है, तुम बच्चों को बाप की पहचान मिल गई है। जिसको वो लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फलाना है, उसकी पहचान तो तुमको मिल गई है कि वो नाम वाला भी है। नाम जिस आधार पर करता है, होता है, वो काम करने वाला भी है और रूप वाला भी है। क्या अच्छा रूप होता है तो सबको आकर्षित करता है या नहीं करता है? है? करता है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा जैसा गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा रूपवान नहीं था क्या? नहीं था। फिर क्या कहेंगे? आकर्षित नहीं किया? किया। किसको? है? अरे मुखवंशावली ब्राह्मणों को आकर्षित किया या मुखवंशावली ज्ञानी ब्राह्मणों को आकर्षित किया? जो रूप के ऊपर मरते थे, दैहिक रूप में फंस मरे, गोद के चेहरे बन गए। गोद माने कुख, कोख, तो वो कुवंशावलियों के लिए आकर्षित होने की वस्तु हो गई। अभी ज्ञान सागर बाप स्वयं तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो कहते हैं नाम रूप से प्यार न्यारा है। हम मानेंगे नहीं कि वो पढ़ा सकता है, नाम रूप से न्यारा कैसे पढ़ाएगा। और बाप स्वयं तुम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तुम बच्चों को विषय वैतरणी पार करने का सारा रास्ता अच्छी तरह से बता दिया। कि जीवन बंध से जीवन मुक्ति, और मुक्ति किसको कहा जाता है? साधु संत महात्मा कोई भी मुक्ति व जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। वो मुक्ति का अर्थ क्या जानते हैं? वो मुक्ति का अर्थ बताते हैं कि सदा काल के लिए मुक्ति हो जाती है, फिर कभी संसार में आना नहीं होता है। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है, और दूसरी तरफ कहते हैं आत्मा सदा काल के लिए संसार से मुक्त हो जाती है, माना विलुप्त तो हो गई या रह गई, लोप हो गई, सदा काल के लिए मुक्ति हो गई। माना आत्मा कोई चीज रही नहीं, आत्मा पानी का बुदबुदा कह देती है। है क्या कह देते? पानी का बुदबुदा कह देती है। उनसे कोई प्रश्न करे सभा में तो उसके ऊपर बुदबुदाएंगे, तो दूसरों को भी समझते हैं कि बुदबुदा है आत्मा। मुक्ति का तो अर्थ जानते ही नहीं है। क्या है मुक्ति का अर्थ? अरे है ये दुख की दुनिया से मुक्ति। ऐसी दुनिया में हम जाते हैं जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। परमधाम में भी दुख का नाम निशान नहीं होगा। और फिर जब हम जीवन मुक्ति में आवेंगे, अर्थात आत्मा जीवन धारण करेगी, जीव आत्मा बनेगी, तो भी 2500 साल तक कोई भी दुख दर्द नहीं होगा। वो जैसे उनको नाम रूप से न्यारा कह देते हैं ना, तैसे ये फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या वस्तु है, ये विद्वान आचार्य पंडितों को बिल्कुल जरा भी पता नहीं है। तो बताओ वो गुरु कैसे हो सकते जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह को खुद ही नहीं जानते हैं? मुक्ति किस चीज का नाम है? मुक्ति में क्या होता है, यही नहीं जानते। बस मुक्ति 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 चिल्लाते रहते। जानना तो चाहिए, मुक्त होंगे तो हमें क्या मिलेगा? अरे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? बाप मुक्ति देते हैं तो हमको क्या मिलता है? हाँ, बाप आकर सारी दुनिया को मुक्ति देते हैं, सारी दुनिया की आत्माएं अशांत हो जाती हैं। तब बाप सभी आत्माओं को दुख दर्दों की दुनिया से मुक्त कर देते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। तो वो मुक्ति धाम का उन्हें पता ही नहीं है। और जीवन मुक्ति का भी पता नहीं है। शांति धाम में तो जीवन होता ही नहीं। शांति धाम या मुक्ति धाम या परम धाम में आत्माएं जीवन में होती है क्या? है? नहीं होती है, काय में होती है, है? हाँ, आत्माएं आत्मिक स्थिति में तो होती है, लेकिन जड़वत होती है। वहां जीवन नहीं होता है। तो बाप फिर आत्माओं को नंबरवार जीवन मुक्ति में भेजते हैं। दुनिया की सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति मिलती है या सिर्फ थोड़ी आत्माओं को मिलती है? हैं? थोड़ी आत्माओं को मिलती है। अरे फिर क्या फायदा हुआ भगवान से मिलने का? है? अच्छा, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, तो ये क्यों कहा कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं को मिलती है? है? हाँ, नंबरवार आत्माएं हैं। नंबरवार पुरुष अर्थात आत्मा के लिए अभ्यास करती है, तो नंबरवार ही प्राप्ति करेंगी ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए देखो, ये इतने ढेर के ढेर सन्यासी सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ते हैं। कितने सन्यासी होंगे? हैं? बताओ, दुनिया में कितने सन्यासी होंगे? पहले नई दुनिया में ये सन्यासी थे तो नहीं थे, नहीं। ये सन्यासी शंकराचार्य जब आया तो उनके पीछे इनका धर्म स्थापन हुआ, घर बार छोड़ो। और अभी उन सन्यासियों में भी अनेक मत हैं कि एक मत वाले हैं, कोई लाल कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, कोई सफेद कपड़े वाले, सिखों में काले कपड़े वाले भी, मुसलमानों में भी काले कपड़े वाले, कोई नंगे भी रहते हैं, है? कपड़ा कपड़ा कुछ नहीं पहनते। जब भी कुंभ का मेला होता है ना, छोटे छोटे भी मेले होते हैं, इतने इतने इन लोगों के पास आते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास अभी दवाइयां हो गई है ना, है? कितनी दवाइयां हो गई हैं? है? दवाइयों की संख्या बहुत बढ़ गई है या पहले के मुकाबले कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। होम्योपैथी की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ, भांति भांति की दवाइयाँ है ना। ऐसे है ना, सन्यासियों के भी कटघरे अलग अलग हैं। ऐसी ऐसी दवाइयां लेते हैं, बच्चा पैदा न करना। गवर्नमेंट ऐसी दवाई देती है कि नहीं है? देती है। ऐसी दवाई देती है जो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, अथवा बिगर स्त्री और बिगर पुरुष के बच्चा पैदा कर देना। होता है कि नहीं? टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, न स्त्री की जरूरत है ना पुरुष की जरूरत। तो देखो ये भांति भांति की दवाइयां निकल गई हैं। तो उन सन्यासियों के पास भी ऐसी दवाइयां होती हैं जो वो बच्चों को खिलाए खिलाए करके उनको निकट्टे पैदा कर दे, निकट्टे बनाए देते हैं। क्या उनके चेलों को ऐसा बनाए देते हैं, फिर उन लोगों को काम विकार आदि का पता ही नहीं रहता, क्योंकि उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं। क्या क्या करते हैं वो साधु संत महात्माएं, चाहे जैनियों में हो, नंगे होते हैं ना, चाहे हिंदुओं में हो, नागा बाबा वगैरह, अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल ही निखट्टा बनाए देते हैं, जो उनकी इंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं। और फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती है, पांव दबाती है, इंद्रियां हरकत में नहीं आती हैं। तो क्या समझते हैं लोग, है? इन्होंने तो इंद्रियों को बस में कर लिया। तो देखो ये ढेर के ढेर आते हैं। अभी ये ड्रामा में भी इनका पार्ट है, क्योंकि भारत को कुछ न कुछ पवित्रता के ऊपर कैसे भी करके थमाना जरूर है कि कहीं सब पतित न हो जावे। एकदम आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है। 28/4/64 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये सन्यासी लोग जो पवित्र रहते हैं वो कोई ज्ञान की दवाई से पवित्र नहीं रहते हैं, है? स्थूल दवाइयों से पवित्र रहते हैं या ज्ञान की दवाई से पवित्र रहते हैं? नहीं, योग से पवित्र नहीं रहते, ज्ञान से पवित्र नहीं रहते। ज्ञान योग की मेहनत से पवित्र नहीं बनते। ये तो दवाइयां खाली हैं और मुर्दे बन गए हैं। अभी इनसे तो कोई भारत को ताकत नहीं मिल सकती। ताकत मिले तब, जबकि गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रह दिखाएं। क्या कब ताकत मिले? जबकि वो सन्यासी भी बाप का सिखाया हुआ ये राजयोग सीखे, घर गृहस्थ में वापस लौटे और गृहस्थी बनकर के दिखाएं, पवित्र बनकर के दिखाएं। ऐसी हिम्मत चाहिए। दवाइयों बवाइयों का कोई काम नहीं। जो दवाइयों से या घर बार छोड़ करके जंगल में जा करके पवित्र रहते हैं वो तो कायर सन्यासी हैं। जो घर बार छोड़ करके जाते हैं और ये अपनी रचना को विधवा बना करके जाते हैं, स्त्री को निर्धन बना के जावेंगे, छोड़कर चले जावेंगे, तो वो किसके आसरे रहेगी? बाल बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगी? कैसे करेगी? है? अरे पेट के लिए, अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए धंधा दौरी की दुनिया में जाएगी या नहीं जाएगी? और बाप कहते हैं कन्याओं माताओं को धंधा दौरी करने की, पेट का धंधा करने की दरकार नहीं है। इस पतित दुनिया में कन्याएं माताएं अगर धंधे दौरी में कूदेंगी तो ये संसार उनको छोड़ेगा नहीं, नरक में जरूर डालेगा। अभी गृहस्थ में रहते हुए स्त्री और पुरुष अथवा बालक और बालकी दोनों स्वयंवर रचें, शादी करें, पवित्र रहें, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। क्या कहा? तो बालक और बालकियों कान खड़े कर लो, क्या करना है? हैं? क्या करना है? अरे बाबा ने क्या डायरेक्शन दे दिया है? स्वयंवर कर लो, अपना वरण, अपना वर स्वयं ढूंढ लो, फिर बाल ब्रह्मचारी होकर दिखाओ। यहाँ है ना बाल ब्रह्मचारी युगल कि बाबा हम शादी भी करके दिखलाते हैं। बाबा के जमाने में, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बहुतों ने, कन्याओं ने और कुमारों ने गंधर्वी विवाह किया ना, किया था या नहीं किया था? सन्यासी कहते हैं कि ये आग और कपूस है। स्त्री और पुरुष क्या हैं? आग और भूसा। क्योंकि इनको ज्ञान तो मिल जाता है ना। किनको? हैं? किनको ज्ञान मिल जाता है? हैं? अरे बाबा ने अपने बच्चों की बात बताई। जो गंधर्वी विवाह करते हैं उनको क्या मिल जाता है? ज्ञान तो मिल जाता है ना। कौन सा ज्ञान मिल जाता है? रावण का ज्ञान मिल जाता है या धारणा में पक्के होने का ज्ञान मिल जाता है? है? अरे रावण भी ज्ञानी था ना, ब्राह्मण था या नहीं था? हाँ, वो भी ब्रह्मा कुमार था ना। तो ऐसा ज्ञानी बनना है क्या? है कि ज्ञान तो बहुत बघारते हैं, बहुत दूसरों को सुनाते हैं कि हमें बाप की पहचान हो गई है, हमें बाप मिल गया है, हम पवित्र रहते हैं। सुनाते हैं ना कि नहीं सुनाते हैं? सुनाते हैं, लेकिन जो सुनाने वाले हैं वो अंदर में दिल में झांकते हैं कि नहीं झांकते हैं कि वास्तव में हम आँखों से, कानों से, मुख से अथवा पांचों कर्मेंद्रियों से पवित्र रहते हैं? दिल से पूछते हैं कि नहीं? हैं? अपने दिल में कभी झांक के नहीं देखते हैं? नहीं देखते। क्यों? ज्ञान तो मिल गया ना। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, ज्ञान तो मिल गया। क्या माया की फाइनल परीक्षा हो गई? फिर जब परीक्षा नहीं हुई तो वकालत का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान पक्का हो गया या कच्चा है? हैं? कच्चा है, कभी भी फेल हो सकते हैं या होते भी रहते हैं। तो जिनको ज्ञान मिल जाता है उनको नशा भी आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सोचते हैं हम शादी भी करके दिखलाते हैं। क्या? शादी भी करके दिखलाते हैं। बिना शादी के तो हमारा चलता रहता है, कोई देखता नहीं। क्या? बिना शादी किए तो कोई देखता नहीं, तो हमको कोई पवित्र मानता नहीं। तो नशे में आकर क्या कहते हैं कि हम शादी करके भी दिखलाते हैं, बरोबर हम ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। क्या? नशे में आकर के किसी को समझाते समय कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? कहते हैं। ये एक होता है पान का बीड़ा उठाना। हम क्या नहीं कर सकते हैं, जबकि श्रीमत है और हमारे में बल भी है। क्या? हमारे में बल भी है, ताकत भी है, हम स्वयंवर भी करते हैं और फिर पवित्र भी रह करके दिखलाते हैं। तो फिर सन्यासियों को दिखलावे हैं? दिखलावे या नहीं दिखलावे? अरे अरे ब्रह्मा कुमारियों में सन्यासी हैं या गृहस्थी हैं? तो पान का बीड़ा उठाते हैं तो हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं, तो फिर पान का बीड़ा उठा करके दिखावे? ये कोई सर्प और सर्पिणियां नहीं है। क्या? क्या नहीं है? सर्प और सर्पिणियां नहीं है। ये हमारे योग का बल है, ये हमको ज्ञान का बल है, हमको बाप से बल मिलता है। कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी हम पवित्र रह करके दिखलाएं, तो दिखलाओ। अभी तुमको ये ऊंचते ऊंच पद मिल सकता है, ये ऊंचते ऊंच पद है। किनको मिल सकता है? हैं? किनको मिल सकता है? हैं? जो किनको, जो शादी करके घर गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र बन करके दिखलावे सन्यासियों को, उनको क्या मिल सकता है? ये ऊंच पद मिल सकता है। कौन सा है? विश्व के बादशाही का पद मिल सकता है। ये कोई कम पद नहीं है। कम है क्या? हैं? अरे क्यों? क्राइस्ट के मुकाबले जिसको दुनिया के 200-250 करोड़ मनुष्य जानते मानते हैं, झुकते हैं, उसके मुकाबले ये ऊंचा पद है या नीचा है? ये कोई कम पद नहीं है। ये एक तो नहीं है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो इतने बनते हैं, कितने बनते हैं सूर्यवंशी ये पद लेने वाले हैं? 4.5 लाख प्रजा है कि ये पद लेने वाले हैं राजाई का? हैं? 16,000। 16,000 में प्रिंस प्रिंसेस बन के नहीं रह जाते, सारे ही राजा बनते हैं क्या? हैं? 108 राजा बनते हैं। अच्छा, सतयुग में 108 राजाएं होंगे? होंगे? कितने होंगे? हाँ, वो 8 ही हैं लक्ष्मी नारायण का पद लेने वाले। सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना ये बड़ी बात है ना। ऐसा बीड़ा उठाने के लिए धड़क जाते हैं। और नशे में आकर ये बात सब कोई कहने लग पड़ते हैं और सन्यासी चैलेंज देते हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या? सतयुग में 8 भी ऐसा पद पाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सन्यासियों को तो कुछ पता नहीं है, ये तो कोई ताकत है, ईश्वरीय ताकत है। परमपिता परमात्मा ही आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। क्या कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि पवित्र गृहस्थ धर्म आकर नहीं स्थापन करते, क्योंकि सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। गीता में लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान दिया गया है। किसको बताया गया कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं गीता ज्ञान के द्वारा, राजयोग के द्वारा। ये देवी देवताओं को हम पवित्र कहते थे, बल पवित्र रहते हुए भी इन लक्ष्मी नारायण को बच्चे तो हुए होंगे के नहीं होंगे? हैं? तो पवित्र रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? है? पवित्र रह करके बच्चे कैसे होंगे? भ्रष्ट इंद्रियों का उपयोग ही न करें, भ्रष्ट इंद्रियों से सुख ही न लें, भ्रष्ट इंद्रियों से देह भान का कोई सुख न लें, तो बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? हो सकते हैं? सन्यासी कहेंगे ऐसा संभव ही नहीं बिल्कुल। और तुम फिर मोर का मिसाल देते हो। क्या मोर और मोरिनी विकारी इंद्रियों से संसर्ग नहीं करते हैं, फिर भी बच्चा तो होता है ना। जैसे नर और नारी पेड़ पौधों में भी तो होते हैं कि नहीं होते। जैसे पपीता है, कोई वृक्ष नर होता है, पपीता रूपी बच्चे पैदा नहीं करता, फल पैदा ही नहीं करता। पैदा करता है नहीं। और जो ऐसा वृक्ष होता है पपीता का जो फल पैदा करता है, वो भी होता है या नहीं होता है। और वो वृक्ष नर और मादा रूप पपीता वृक्ष पास पास न भी हो, 1-2 मीटर किलोमीटर की दूरी पर हो, तो भी जो फल देने वाला वृक्ष है वो अपना पराग खींच लेता है नर वृक्ष से। खींचता है या नहीं खींचता है? खींचता है और फल देता है। तो ये कौन सी ताकत है? हैं? ये वाइब्रेशन की ताकत है। इसके लिए स्थूल इंद्रियों की दरकार नहीं है। तो देखो, देवताओं को पवित्र रहते हुए भी बच्चे तो होंगे ना। दुनिया वालों को तो कुछ भी मालूम नहीं है। कौन से दुनिया वालों को है? ब्राह्मणों की दुनिया वालों को मालूम है। हैं? कौन से ब्राह्मणों को नहीं मालूम है? जो बेसिक वाले ब्राह्मण हैं उनको पता ही नहीं है कि सतयुग में बच्चों की पैदाइश कैसे होगी। उनको मालूम ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा बैठ करके इनको ताकत देते हैं। इनको क्या ताकत देते हैं? जो वहां गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी नगण्य नहीं होते हैं। तो देखो, ये बात है ना बरोबर यही समय है ना। जो महाभारत है या भागवत का गाया हुआ है, द्रौपदी ने पुकारा, ये दुशासन मुझे नग्न करते हैं। तो देखो, यहाँ बहुत हैं अभी जिनके ऊपर दुशासन उनको जोर जबरदस्ती नगन करते हैं। कहाँ हैं ऐसे? बहुत कहाँ हैं? अरे कहाँ? यहाँ ऐसे दुर्योधन दुशासन कहते हैं, हम ज्ञान में चलते हैं, हम आत्मा भाई भाई है, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है। फिर क्या करते हैं? हैं? यहाँ भी ऐसे बहुत हैं और अभी भी हैं जिनके ऊपर दुशासन वृत्ति लगी हुई है, जोर जबरदस्ती नंगन करते हैं और वो पुकारती रहती है। तो जरूर कोई तो बात होगी ना। इनको दुर्योधन दुशासन कहा जाता है। इनको कन्याओं माताओं को है, हाँ बड़े फखर से बोलते हैं भाइयों को। पतित दुनिया माना आसुरी दुनिया, पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। और ये दोनों प्रकार की दुनिया कब होती है? सतयुग में होगी या द्वापर में होगी, त्रेता में होगी या कलयुग में होगी? अभी है, हा? अभी है, हैं? अरे ना, हाँ ना ना, हैं? अभी सारी दुनिया क्या है? पतित है। बाप आया हुआ है कि नहीं आया? वो भी क्या है? हाँ हाँ हाँ, बोलो जोर से बोलो, हैं? जो बाप आया हुआ है वो क्या है? पतित है, हैं? लड़ाई लड़ लो पहले, आधे कुछ बोल रहे आधे कुछ बोल रहे। जो बाप आया हुआ है कोई न कोई साकार तन में ही आया हुआ है या मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो वो पतित है या पावन है? पतित है, है? पतित है या पावन है? पतित पावन है, पतित भी है और पावन भी है। माना पहले पतित है फिर पावन है, ऐसे है? तो बोला पतित दुनिया माना आसुरी दुनिया, आसुरी दुनिया माना असुर, असुरों की दुनिया। असुर किन्हें कहा जाता है? सुर किन्हें कहा जाता है? सुर माने जो बाप के सुर में सुर मिलाकर चलते हो, बोलते हो। जो बाप की भाषा सो बच्चों की भाषा, जो बाप का कर्म सो ही बच्चों का कर्म। बाप निर्विकारी तो बच्चे भी निर्विकारी। बाप सुखदाता तो बच्चे भी सुखदाता। सुख और दुख का हिस्से दिया जाता है, है? अरे सुख और दुख देने का कोई साधन होता है, हैं? कर्मेंद्रियां ही होती हैं, ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। आंखें लाल लाल करके दिखा दी तो क्या हुआ? दुख देना हुआ। आंखों में कायदे का प्रेम है, इसलिए है तो सुख देना हुआ। बेकायदे चलन को तो दुख देना ही कहेंगे। तो बाप कहते हैं पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया, ईश्वर की स्थापना में होती है, और वो असुर की स्थापना में होती है। असुर किसे कहेंगे? जो जो बाप के सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं, दो बातों को मानेंगे और कम से कम एक बात को नहीं मानेंगे। तो बाप कहते हैं जो आधी श्रीमत पर चलते हैं और आधी श्रीमत पर नहीं चलते, वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्या जो और धर्म वाले हैं उनकी क्या पहचान होगी? वो बाप की सब बातों को नहीं मानेंगे। तो देखो पतित दुनिया है रावण की स्थापना, और ये दुनिया है राम की स्थापना। राम नाम क्यों पड़ा है? अरे राम नाम क्यों पड़ा? गीत गाते हैं राधा रमण हरे गोविंद जय जय, है तबला बजाते जाएंगे, सारंगी बजाते जाएंगे, ढोलक बजाते जाएंगे, गाते हैं ना। कहाँ का गायन है? अच्छा, जो कृष्ण है वो राधा के साथ, गोपियों के साथ रमण करते हैं, है? अरे बाबा ने तो बोला है ये कृष्ण और राधा की तो बात नहीं है। जो भागवत में कथा कहानी है वो कृष्ण की कथा कहानी है क्या? किसकी है? शिव बाबा की है। तो शिव बाबा रमण करते हैं क्या? है? लोग कहते हैं घट घट रमते राम रमैया। हरेक के हृदय में राम ही बुद्धि से रमण करता है, मन से रमण करता है। ये 11वीं इंद्रिय है। और गोप गोपियां भी हैं कि सिर्फ गोपियां हैं? गोप भी हैं और गोपियां भी हैं। वो 16,108 गोप गोपियां स्वीकार करते हैं कि वो रमण करने और रमण कराने वाला है। गोप वो हैं जिन्होंने स्वेच्छा से समझ करके अपनी बहनों को, बेटियों को ईश्वरीय सेवा में अर्पण किया है। जिनकी बेटियां ही नहीं है, जिनको बहनें ही नहीं है, और वो ग्लानि कर रहे हो तो संभव हो सकता है। लेकिन जिन्होंने अपनी बहू बेटी दी है तो माननीय रूप में देखेंगे या अपमान करेंगे? भारतवर्ष में जिनको, जिस पक्ष को कन्या या बेटी दी जाती है या बहन दी जाती है तो मान्य रूप में देखते हैं या अपमान करते हैं? है? मान्य पक्ष में मानते हैं, पूजा करते हैं। ये परंपरा कहाँ की है? संगम युग में ये परंपरा शुरू किसने की? अरे परंपरा शुरू करने वाला कोई होगा या नहीं होगा? जरूर है। तो बताया ये राम की स्थापना हो रही है। राम रमण कर रहा है। रमण करना इंद्रियों से भी होता है और मन से भी होता है। लेकिन कैसा रमण करना? दुर्योधन दुशासन जिनका नाम दिया है वो भी रमण करते हैं। फिर अंतर क्या है? कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? है? हाँ, जो दुर्योधन दुशासन है जब आवेग में आते हैं, काम और क्रोध के आवेग आता है तो दुख जरूर देते हैं, है? दुशासन बड़ी सभा में द्रौपदी को हाथ रूपी कर्मेंद्रियों से खींच कर लाया था या नहीं लाया था? तो कोई उसको आवेग आया या नहीं आया? आवेग आया। अबला स्त्री के ऊपर बल प्रयोग करना यही दुर्योधन दुशासनों का काम है। परंतु ये राम का काम नहीं हो सकता। भले बाप आते हैं, दुनिया की जो चलन है सन्यासियों ने जो सिखाया है वो दुनिया वालों की बुद्धि में बैठा हुआ है। इसलिए बाप के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। क्या इल्जाम लगाते हैं? हैं? गायन भी है, कलंक इधर है। क्या कलंक लगाते हैं? हैं? ये अत्याचारी है, ये बेबीचारी है, ये बलात्कारी है। कोर्ट में भी केस चलते होंगे। अरे जब ऐसे ऐसे कलंक लगाते हैं तो क्या मुख से बोल करके ही छोड़ देते हैं या प्रैक्टिकल में भी कलंक लगाते हैं? प्रैक्टिकल में भी लगाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है ये स्थापना कौन सी दुनिया की हो रही है। ये कोई रावण की स्थापना नहीं है, दुख की दुनिया की स्थापना नहीं है, ये राम की दुनिया की स्थापना है। अब देखो, राम आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राज्य का क्या गायन है? हा? अरे कुछ गायन है या नहीं है? है? राम राज्य में सब सुखी थे। क्या बकरी, त्रिमूर्ति में कोई बकरी है या नहीं? है? है। और शेर, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। क्या? अरे घाट गाया हुआ है कि नहीं? घाट पर क्या होता है? है? अरे कपड़े धोए जाते हैं। ये शिव बाबा वाशरमैन है। क्या? ये धोबी घाट है। यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट था या नहीं था? था। जो आदि में सो अंत में भी है। तो वहां तो पवित्र ही चाहिए। वहां क्यों कह दिया, यहाँ क्यों नहीं कहा? हाँ, ये 64 की वाणी है ना। ये आगे जो पार्ट चलने वाला है बाप का, प्रैक्टिकल में बाप टीचर सदगुरु के रूप में उसकी तरफ से इशारा दिया। तो ये पवित्रता फर्स्ट है। और तुम देखती हो काम कितना बलवान है। अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, एकदम बड़े बड़े महारथी, काम बिगड़, ये विकार बिगड़, जहर खाए बिगड़ कहते हैं हम लोग रह नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बोलते हैं अरे हमने तो देख लिया, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। क्या क्या कहते हैं? ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि कोई निर्विकारी रह सके और अभी रह सके। अरे भाई, सतयुग में तुम्हारे देवी देवताएं निर्विकारी थे ना। अच्छा, ओम शांति।